जो जहाँ कहेगा वहाँ जाना ही जा पड़ता है, तो यहाँ भी आप लोग जो कहोगे सर इधर देखें। इस दिवाली नवरानी का करे स्वागत, तनिष्क लेकर आया है आपके लिए न्यू नवरानी कलेक्शन। जुड़िए तनिष्क के साथ और ऐतिहासिक रानियों से प्रेरित कलेक्शन से संवारे अपने आप को। खूबसूरत गहने शानदार ऑफर्स के साथ सिर्फ तनिष्क शोरूम, वैशाली नगर मेन रोड अजमेर। आज जेलन हॉस्पिटल में चिकित्सा सुविधाओं में जो कुछ भी चेंजेस और प्रगति हो रही है, नए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, उसकी चर्चा के लिए हम लोग मिले हैं। अजमेर में चिकित्सा की सुविधाओं ने एक नए सोपान बनाना शुरू किया है। कल ही कोटड़ा के अंदर हमने एक सैटेलाइट हॉस्पिटल का श्री गणेश किया, जिसके कारण से जहाँ वहाँ की जनता को तो लाभ मिलेगा, और जेलन हॉस्पिटल जो संभागीय चिकित्सालय है उस पर भी लोड कम होगा, और वो भी 50 बेड का वहाँ पे हॉस्पिटल बन रहा है। और साथ में यहाँ भी 2-3 नई चीज़ें जो शुरू हुई हैं, जिसमें एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जिसमें लगभग 200 करोड़ का प्रावधान है, और यहाँ पे अपनी जो निमोनिया और ये अपने बीमारी का जो आइसोलेशन वार्ड यहाँ पे वो शिफ्ट होंगे। और मैं समझता हूँ कि ये टीबी का जो के नाम से कहलाता है वो वार्ड भी चेंज होगा, वहाँ जो अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं वह सेंटर भी चेंज करके इन दोनों के स्थान पर बनने जा रहा है। मुझे लगता है कि जैसे ही यहाँ का मेडिसिन ब्लॉक तैयार होगा उसी दिन अभी वर्तमान में मेडिकल ब्लॉक उसमें शिफ्ट होगा, और पुराना जो है उसमें टीबी ब्लॉक की जितनी भी व्यवस्थाएँ हैं वो शिफ्ट होकर के उसका शुरू गणेश करेंगे। उसके मीन टाइम यहाँ पे नए इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक्स एवं न्यूट्रोलॉजी का निर्माण काम भी शुरू होने जा रहा है। पीडियाट्रिक वार्ड का तो अभी अपन ने लोकार्पण किया और उसकी शुरुआत हो गई, वही मैं समझता हूँ आधुनिकतम इसमें पीडियाट्रिक वार्ड है। लेकिन उसके साथ ये नया जो इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक्स बनेगा इस पर लगभग 53 करोड़ खर्च होंगे, जिसकी स्वीकृति मिल चुकी है। और इसके साथ पीडियाट्रिक सर्जरी के लिए भी एक नए मॉड्यूलर स्मार्ट ऑपरेशन थिएटर वह भी बनने जा रहा है। तो चिकित्सा सुविधाएं अजमेर वासियों को पूरी मिलें, इसके अलावा एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी बनता है जिसमें आदमी क्रिटिकल हो उसके उसकी सारी व्यवस्थाएं की जाएं, और वो इमरजेंसी के समय जटिल सर्जरी भी हो तो ऐसे क्रिटिकल पेशेंट को सुविधा के लिए 23,75,00,000 का और बजट राज्य सरकार ने स्वीकृत हुआ है। पिछले दिनों लगातार कैंसर पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, लगभग पंजाब से एक ट्रेन आती है लगभग लोग उसको कैंसर ट्रेन भी कहना लग गए हैं। तो इस बीमारी के लिए इलाज की प्रॉपर व्यवस्था हो उसके लिए जयपुर इत्यादि में तो व्यवस्था है, लेकिन जेलन हॉस्पिटल में भी उसकी सर्जरी विशेषज्ञ अपने पास आ गए हैं। डॉक्टर अर्पित जैन हैं, ये यहाँ पर अपनी सेवाएँ देंगे। तो आज अपने कैंसर की सर्जरी भी अब अजमेर जेलन हॉस्पिटल में होना प्रारंभ होगी, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि धीरे धीरे कैंसर के पेशेंट्स को और जो कुछ चाहिए उसकी व्यवस्था करने में प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है, और बाकी कुछ जगह तो हम जो व्यवस्थाओं उत्तमिक हो गए हैं, अभी माइक्रो प्लान यहाँ पर आपने देखा होगा पिछले दिनों कुछ परिवर्तन दिखे हैं, जैसे ध्यानों के इसके आपातकाल के सामने गार्डन था, गार्डन हमेशा बंद रहता था। मैंने भी कई बार पहले कई प्रिंसिपल से चर्चा की लेकिन मैं खुलवाने में सफल नहीं हो पाया, लेकिन वर्तमान में वह पूरा खुल करके जो उसके अटेंडेंट्स हैं उनके बैठने की व्यवस्था भी हुई है, वहाँ के पीने के पानी की व्यवस्था भी, पिछले दिनों एक वाटर कूलर भी लगा है, और लोगों को आत्मिक शांति मिले इसलिए वहाँ एक मंदिर भी बना है जिसके कारण से लोग आराम से वहाँ पे रह सकें। हमेशा यहाँ पे टॉयलेट्स की शिकायत रहती थी, वो ध्यान है जिस समय कोविड था तो पता नहीं कितने लोग फ़ोटो डाल करके हमको बताया करते थे, तो यहाँ 70 टॉयलेट्स जिसको PWD को हमने उसको निर्माण और मरम्मत करने के लिए ऑर्डर उसको दे दिया है,
और पहली बार न्यूरोसर्जरी विभाग में दिमाग की नस में एन्यूरिज्म में क्लिप लगा करके सफल सर्जरी भी कल कर दी गई है। तो यहाँ धीरे धीरे जो इस प्रकार की बीमारियाँ जिसका इलाज साधारणतः नहीं होता था, जिनको बाहर जाना पड़ता था, उनके लिए हॉस्पिटल ये आगे बढ़ता जा रहा है। और कल एक ही दिन में 10 लेप्रोस्कोपिक क्लॉस्ट्रेक्टोमी का भी इन्होंने करके एक रिकॉर्ड बनाया है। और साथ में आपने देखा होगा कि शायद राजस्थान में पहला हॉस्पिटल होगा जिसमें स्पीकर हेल्प डेस्क बनी। उस स्पीकर हेल्प डेस्क के अंदर आप भी यहाँ पे बाहर देख सकते हैं, कोई बाहर का पेशेंट आता था या स्थानीय आए, उसको कौन से रूम में जाना है, किस डॉक्टर को दिखाना है, कहीं उसको पता नहीं लगता, वो भटकता रहता था राउंड में, तो वहाँ पे पूरी उसकी व्यवस्था है। हमेशा 24 घंटे इंटू 7 व्यक्ति उपलब्ध हैं वहाँ पे। कोई नर्सिंग स्टाफ का भी व्यक्ति है, डॉक्टर से उसकी करवा देता है कि ब्लड चाहिए तो उसकी व्यवस्था करवा देता है। और लगभग इसमें पिछले 1.5 महीने पौने 2 महीने में 800 से अधिक, जिसका नाम भी है, रिकॉर्ड भी है, उन मरीजों का यहाँ पे मदद हुई है। और व्हाट्सएप पे इतने लोगों के धन्यवाद आने लग गए। नहीं तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा जो पेशेंट आता है, सबसे बड़े उसको सुविधा चाहिए, उसको कहीं ट्रॉली चाहिए, उसको कहीं डॉक्टर का रेफरेंस चाहिए, उसको कहीं ब्लड चाहिए, तो ये सारी व्यवस्थाएँ उस हेल्प डेस्क के माध्यम से पहले का समय से हो रही है। सूचक भी बना दिए गए हैं ताकि आपको सीधे आप लोग वहाँ आ सको। और उसके बाद 3 टीवी भी है जिसमें कौन सी चीज़ कहाँ है, इस सारे आप एक राउंड करेंगे तो सारी चीज़ें उसके अंदर बनी हुई हैं। और पहले लेबॉरेटरी में ऑनलाइन लैब की भी व्यवस्था हमने की है ताकि सारे उसकी जो रिपोर्ट्स वगैरह भी हैं वो उसको घर बैठ के मैसेज उसको फ़ोन पे ही मिल जाए, यहाँ पे आकर के लाइन में नहीं लगना पड़े ऐसा, मेरी रिपोर्ट कहाँ है, उसके भी उसको निजात मिली है। पहले सैंपल कलेक्शन का साधारणतः 1 या 2 ही काउंटर थे, उसे बढ़ा करके 5 काउंटर कर दिए हैं। और उस पर लोग खड़े रहते थे तो उसके बेंचेस की व्यवस्था की है, आराम से आकर के मरीज बैठे, जब उसका नंबर आए तो आराम से आके अपना सैंपल वो दे पाए, उसकी व्यवस्थाएँ हम लोगों ने की है। और OPD में तो 70 बेंच नहीं लगवाई हैं। और बहुत जल्दी यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनको 1 रुपये में स्वाभिमान भोजन की व्यवस्था भी 30 नवंबर से पहले पहले कर देंगे। कंस्ट्रक्शन सारी व्यवस्थाएं शुरू हो रही हैं। मैं तो ये भी एक यहाँ के लिए ऐतिहासिक काम होगा जिसके आधार पे हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और दूसरा, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की थी, इसलिए दोस्तों जब से वो पार्किंग नहीं शुरू हुई है, और मैंने भी इनको कठोरता से कहा है, चाहे मेरी गाड़ी क्यों नहीं हो, चाहे प्रिंसिपल की गाड़ी क्यों नहीं हो, यदि वो पार्किंग के नियमों का पालन न करे उसके उठा करके आप पड़ेगा। यदि कठोरता से पालन होगा, नहीं तो मानव स्वभाव है कि अपने कमरे के बाहर आकर के अपन हमारे स्कूटर भी खड़ा करते हैं, कार भी खड़ी करते हैं, ये मानव स्वभाव है। लेकिन व्यवस्थाओं में सहयोग सबकी अपेक्षा है, इसलिए मैं सबसे भी आग्रह किया है कि इस व्यवस्थाओं का पालन करें। आज मैं जब आया तो पूरा हॉस्पिटल व्यवस्थित लगा, 2 या 3 मोटरसाइकिलें देखी, वो भी मैंने इशारा किया कि ये क्यों खड़ी है, हालांकि उस पर उनका जो है जो चलाने वाला वो उस पर बैठा हुआ था। अब ये भी होगा कि चलाने वाला बैठा हो तो भी साइड में, यानी एक बार नहीं तो इमरजेंसी में आपके कोई भी व्यक्ति आया है और उस व्यक्ति को जगह नहीं मिलती, कहाँ से आकर के अपना वो हॉस्पिटल में किसको दिखाए। वास्तव में पेशेंट्स की मदद के लिए इस तरह कोई उसके अंदर कोई कठिनाई नहीं है। पहले कॉटेज वार्ड थे, कल 5-6 ही थे, वो भी बड़ी मुश्किल से मिलते थे, उनकी भी संख्या बढ़ा करके 13 कर दी है। और मैं समझता हूँ सुरक्षा के गार्ड भी बढ़ाए हैं, सीसी कैमरों की भी संख्या जो पहले 125 थी वो 200 की है। और मैंने प्रिंसिपल से आग्रह किया है कि ये 200 के 200 कैमरा वर्किंग में चाहिए, कोई भी कहीं ख़राब हो तो तुरंत उसको रिप्लेस कर देना चाहिए, नहीं तो फिर का पता लगे साहब, वो तो मरीज़ का पता ही, किसी गड़बड़ करने वाला का पता ही नहीं लगा है, तो बंद था। तो ये यदि हम व्यवस्थाएँ करेंगे तो अजमेर JLN हॉस्पिटल संभाग का एक आदर्श हॉस्पिटल के रूप में विकसित हो, क्यों लोग मरीजों की संख्या बढ़ती जाएगी, संभाग का केंद्र है। जैसे मैं SMS भी देख रहा हूँ, SMS भी बहुत सारा लोड आया है, तो यहाँ भी लोड ज़्यादा है, लेकिन धीरे धीरे मैं कहूँ आसपास के और हॉस्पिटल्स भी ज़रूरत पड़ी तो आगामी कुछ वर्षों में अलग अलग एरियाज़ में हम और हॉस्पिटल का शुरुआत करके JLN हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं हों, डॉक्टर्स की संख्या अनुपातिक कह रहा हूँ, पूरे के पूरे हो जाएंगे इसका नहीं, लेकिन बाकी हॉस्पिटल की तुलना में अनुपातिक
यहाँ भी प्रॉपर व्यवस्था हम करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है नए चिकित्सा मंत्री से भी मेरा आग्रह हुआ है और हम लोग बढ़ रहे हैं। गर्ल्स के लिए पीडियाट्रिक वार्ड नया गर्ल्स के पीजी का भी बन गया है, उसके कारण से हम लोग विकास के पथ पर हॉस्पिटल चल पड़ा है। जो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री का सोच है कि हम निरोगी हर व्यक्ति को बनाएं, वह व्यवस्था तो कर रहे हैं। और साथ में आपने देखा होगा यहाँ पे आयुर्वेद यूनिवर्सिटी की भी ज़मीन वगैरह अलॉटमेंट हो गई, लेकिन उस यूनिवर्सिटी के साथ 25 बीघा में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी होगा, जिसके कारण से लोगों को आयुर्वेद भी की सुविधाएं भी मिल सकेगी। मीन टाइम तो अब इतनी दूर लोगों को जाना होगा, तो मेरे क्षेत्र के रामनगर में जहाँ पे रसायनशाला है वहाँ पे भी 78 लाख की लागत से पंचकर्म सहित आयुर्वेद का हॉस्पिटल भी स्वीकृत हो गया है। मैं कह रहा हूँ विकास में लगातार जहाँ जहाँ हो रहा है मैं उसकी प्रगति कर रहे हैं। और बाकी जो हमारे CMHO के अंतर्गत जो डिस्पेंसरी आती हैं उसको बढ़ावा दे रहे हैं। पिछले 5 साल पहले हमने पंचशील के अंदर CHC भी बनाया था, तो उसके कारण से भी लोगों को सुविधाएँ बढ़ी हैं। तो पंचशील एरिया डेवलप हो गया, इधर कोटरा हो गया, इधर यहाँ हो गया। और यहाँ का जैसे ही मेडिकल कॉलेज पूरा होगा तो स्पेस भी कुछ अवेलेबल होगा, उस स्पेस में और भी कुछ डिपार्टमेंट्स भी लाने की कोशिश करेंगे। और जो कुछ पुरानी बिल्डिंग है धीरे धीरे उनका भी रिनोवेशन शुरू करने का प्लान है। मैं समझता हूँ ये तो पहला बजट था जिसमें हॉस्पिटल के इतनी सारी सुविधाएं मिली हैं। और मैं तो कई बार कहता हूँ ये तो एक ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। बाकी 4 बजट में हम सोचते हैं और अधिक से अधिक अजमेर के लिए सुविधाएं लाएंगे। मुझे